गाइस, वेलकम टू माय चैनल सवी डॉट बी। और आज है संडे, तो संडे यानी कि फंडे, बस फंडे है। और आज घर में हम हैं अकेले, क्योंकि सुबह सुबह मम्मी पापा चले गए हैं शादी में, और लड़की की शादी है, विदाई के लिए गई हैं मम्मी पापा। भी रात में ही गए थे, लेकिन सुबह मम्मी को लेने के लिए आए थे, तो दोनों लोग साथ में भी जा चुके हैं। तो चाय बना के मैंने उनको दे दी थी, पर अभी मैंने चाय नहीं पी है, क्योंकि मेरा आलू खाने का काफ़ी मन था, फ्राई आलू। तो आलू हमने उबाल लिए हैं, कुकर अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसमें से आलू निकाल के फिर मैं आलू फ्राई बनाने वाली हूँ। रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी, सिंपल सा आलू फ्राई जो है मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। ज़्यादा कुछ मसाले वगैरह मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं सिंपल सा जो मेरा रेसिपी है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। गार्डनिंग काफ़ी पसंद है, तो उन्होंने गमले में ही लहसुन लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं लहसुन बड़े भी होने लगे हैं, और इसमें धनिया लगाई है पर अभी तक वो आई नहीं है, और लहसुन थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं। कल रात में हमने चावल की रोटियां बनाई थी चूल्हे पे, तो चूल्हा साफ़ करना रह गया था, तो मैंने सोचा चलो दिन में कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने राखी निकाल कर थोड़ी सी मिट्टी डाल के इसे साफ़ कर ली। हालाँकि गाँव में उन लोग का पूरा प्रॉपर सब कुछ रहता है, पर हमारे यहाँ ठंडी में ही जब मन होता है रोटी खाने का तभी चूल्हा निकालते हैं जलाने के लिए, वरना तो गैस पर ही खाना बनता है। और आप देख के ही समझ गए होंगे कि आज संडे है, तो मेरा स्किन केयर रूटीन है, तो वो कर रही हूँ मैं। और ये फेस पैक कौन सा फेस पैक है और इसे कैसे बनाया है, है चावल का आटा, शहद, गुलाब जल, दूध, बस। ये बहुत अच्छा है स्किन के लिए। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि इससे आप स्क्रब बहुत अच्छा हो जाएगा, तो इसको बना के 5 मिनट के लिए आप अच्छे से अपने फेस पे हल्के हाथों से रब कर लीजिए, तो आपकी जो डेड स्किन है वो अच्छे से निकल जाएगी। तो फिलहाल मैं इसको सुखा लेती हूँ, क्योंकि फेस पैक लगाने के बाद ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो मैं नहीं बोलूँगी, और मुझे घर का थोड़ा बहुत काम है, तो वो मैं कम्प्लीट कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद देखते हैं और आगे क्या करने वाले हैं। तो मैंने अपना फेस पैक साफ़ कर दिया और इसमें लगाया कोकोनट का ऑयल, ये देखिए जमा हुआ है अंदर में, और ये लगाया है, ये बहुत अच्छा है स्किन के लिए। मैं हमेशा इसको यूज़ करती हूँ रात को सोते टाइम, अगर थोड़ा सा हम अगर कोकोनट ऑयल अपने फेस पे लगाते हैं तो हमारी जो स्किन है वो काफ़ी सॉफ्ट रहती है। तो ये मैंने अपने फेस पे अच्छे से लगा लिया है, और स्किन बिल्कुल अच्छे से मॉइस्चराइज हो गई है। आज घर में कोई नहीं है और संडे है, तो मैंने सोचा मैं अकेली हूँ, तो दोपहर को जब भूख लगी तो मैंने अपने लिए दलिया बना लिया, क्योंकि फिर दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ बनाने का कोई मतलब नहीं था, अकेले थे तो कुछ भी बना के खा सकते थे। तो हमने दलिया बना लिया अपने लिए, और पापा यहाँ पर चुकंदर और गाजर लेके आए थे, तो पापा को चुकंदर का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसमें गाजर और चुकंदर दोनों ही उबलने के लिए रख देती हूँ, और शाम को पापा को गरम गरम हलवा मिलेगा खाने के लिए। पर उसका तय नहीं है कि पापा खाएंगे ही, क्योंकि दावत से आएंगे तो हो सकता है ना खाएं, पर सुबह तो वो पक्का ही, उनको जैसे पता चलेगा कि मैंने बनाया है हलवा चुकंदर का, तो बहुत खुश हो जाएंगे। और मीठा तो उन्हें भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है, चुकंदर का हलवा खाने में बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इसका वीडियो मैंने पूरा शूट नहीं किया, क्योंकि अभी मैंने जल्दी जल्दी में बनाया, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, पर नेक्स्ट टाइम मैं जब भी बनाऊंगी तो इसका वीडियो मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूंगी। हेलो गाइस, तो आज है 22 नवंबर और कल संडे व्लॉग मैंने एंड नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो अभी कर देते हैं। तो
नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।